प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी संस्कृत का एक श्लोक पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए मजाक उड़ा रहे हैं कि यूजर्स का दावा है कि पीएम मोदी ने अश्लील शब्द कहे हैं। इस वीडियो को कई वेरिफाइड यूजर्स द्वारा भी शेयर किया गया है। वहीं सोशल मीडिया हैशटैग अश्लील नरेंद्र से हैशटैग चलाया जा रहा है। रिपोर्ट पढ़े जाने तक इस हैशटैग से 18,000 ट्वीट किए जा चुके थे और यह ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। वायरल हो रही वीडियो की हमने पड़ताल की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने कहा क्या था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां उन्होंने संस्कृत में एक वाक्य पढ़ा था जो कि इस प्रकार था, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। newstrack.com की खबर के मुताबिक इसका हिंदी में अर्थ होता है, जिस तरह विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से भोजन की सिग्निफिकेंस पूरी होती है, वैसे ही न्याय से शासन की सिग्निफिकेंस पूरी होती है। वहीं संस्कृत में लवण शब्द का अर्थ जानने के लिए हमने सिंपल गूगल सर्च किया। लवण का अर्थ होता है नमक। संस्कृत डिक्शनरी में लवण शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कई सारे रूप होते हैं, जिसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। हमने इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए संस्कृत के रिटायर्ड आचार्य ललन तिवारी को संपर्क किया। उन्होंने बताया, संस्कृत साहित्य में सुभाषित के अंतर्गत नीति, आदर्श, सुंदर आचार विचार एवं जीवन का मूल्य परक ज्ञान का भंडार है। यह श्लोक इसी का हिस्सा है क्योंकि सुभाषित के माध्यम से छात्रों के जीवन को मूल्यवान और सार्थक बनाया जाता है। हमारे फैक्ट चेक से ये स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी ने संस्कृत का वाक्य पढ़ा था, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स भ्रामक तरीके से शेयर कर रहे हैं। ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए डी फ्रैग।